क्वालिटी जो है हमारी बेस्ट पर जैसे है जी। तो अभी तो सवाल जो है नहीं नहीं वो तो बेहतर है, केवल कल्पना कीजिए अगर मान लीजिए कि आपका कोई प्रश्न है ऐसा मतभेद हो जाने की वजह से भी चलो भाई हम आपको बताते हैं आके। ये तो वक्त पे डिपेंड करता है, नहीं तो वक्त पे डिपेंड करता है, वक्त पे। दोस्तों मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने पसंद यार में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों ब्रावली विधानसभा क्षेत्र से इकलौती महिला प्रत्याशी आजम तारा जी हमारे साथ है। आज हम इन्हीं से बात करने वाले हैं और इन्हीं के साथ है इनके हस्बैंड इम्तियाज अली जी। ये लोग प्रॉपर तौर से माझा के निवासी है जो ब्रावली विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो आजम तारा जी, सबसे पहला मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? ब्रावली विधानसभा में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए आप क्षेत्र का विकास करने के लिए इसमें आना चाहती हैं राजनीति में जी। तो और मान लीजिए कि जो भी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो जो 5 साल में अभी काम काज किया है उस काम काज से आप संतुष्ट हैं, उनका विकास देखकर आप संतुष्ट हैं या उनसे पूरी तरीके से? देखिए ये इनका एक हैंडबिल है जो हैंडबिल इन्होंने छपवाया है और बहुत जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट भी कराए हैं और डिस्ट्रीब्यूट कराने के वक्त में ही ये हैंडबिल हमें मिला हुआ है। जरा मैं आप लोगों को एक बार इसको पढ़कर सुना दे रहा हूँ कि इसमें जो आजम तारा जी हैं ये क्या क्या लिखवाई हुई है। ये इसमें लिखवाई है कि बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, बाहरी प्रत्याशी नहीं चाहिए, अपने ही क्षेत्र का प्रत्याशी चाहिए, ये इनका एक नारा है। उसके बाद से ये लिखवाती हैं कि विधायक जी जितने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं, जनता के दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं, यानी जो वर्तमान विधायक हैं हमारे नेमतुला साहब वो जितने के बाद क्षेत्र से नदारद रहते हैं। ब्रावली विधानसभा की जनता वोट देकर विधायक बनाती है और विधायक की रोजगार बड़हड़िया के क्षेत्र के लड़कों का कराते हैं। चलिए जी, क्या ये सच है कि इसमें जो रोजगार है वो बरौली के लड़कों का कराए हुए हैं? बिल्कुल, जब मन क्षेत्र में रोजगार दिए हुए हैं। बिल्कुल, जब माननीय विधायक जी नेमतुला साहब जी जी जब सचेतक रहे जी उनकी सरकार रहे जी, उस समय सचिवालय में जो भी नौकरी कराए हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी व्यक्ति का नौकरी नहीं कराया जी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। चलिए, जो भी रोजगार नौकरी जो भी कराए हैं अपना बीए जो रखे हैं कोई बड़ा क्षेत्र का आदमी रखे हुए जी, यानी ब्रावली क्षेत्र का जो प्रत्याशी हो वही होना चाहिए, बाहरी नहीं होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो ब्रावली विधानसभा की जनता वोट देती है जी और वोट देकर जिताती है तो जाहिर सी बात है ना, जो भी ये तो डेमोक्रेसी है, जो भी जनता है पूरे भारत में वहीं से भी लड़ सकती है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, डेमोक्रेसी है हमारा पूरा जो भी देश है। लड़ने के बड़ौड़िया से आए या सिवान से आए आप भी जाकर बड़ौड़िया में लड़ सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। लड़ने के लिए बिल्कुल हम लड़ सकते हैं जी, इतना फंडामेंटल राइट जी जी, मतलब उससे नहीं है जी, आप बिल्कुल लड़िए। मतलब ये है विधानसभा की जनता वोट देखिए आपको विधायक बनाती है जी, और आप जो भी काम होता है जी, जो भी रोजगार का जो काम होता है जी, आप बड़ौड़िया के लोगों को कराते हैं, बड़ौड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों नहीं कराते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है जी कि मान लीजिए कि ब्रावली के क्षेत्र में वो जीतते हैं, ब्रावली की जनता उनको वोट देकर जिताती है, तो जो भी उनका कार्यकलाप हो यहाँ के लिए वो यहाँ के लोगों के लिए। चलिए इम्तियाज जी, आप यहाँ पे जानते हैं कि 25 सालों से केवल 2 पार्टी का ही वर्चस्व हो रहा है, एक तरफ राजद है और दूसरी तरफ भाजपा है, यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई भी 25 सालों में आया नहीं। तो क्या आपको लगता है कि थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे स्पेस है? बिल्कुल, तो थर्ड पर्सन कोई भी यहाँ पे लीड कर सकता जी, है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं जी, हम की बरौली विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण हम बहुत दिन से कर रहे हैं जी जी, और इस भ्रमण के दौरान जी हम बहुत कुछ गंवाए हैं जी, बहुत कुछ त्याग किए हैं जी, बहुत बर्दाश्त किए हैं। इस भ्रमण के दौरान बरौली विधानसभा की जनता जहाँ तक मुझे जानकारी है जी बदलाव चाहती है बरौली विधानसभा की जनता जी, दोनों आदमी से बरौली विधानसभा की जनता जो है उग चुकी है, उग चुकी है। हमारे माननीय पूर्व मंत्री राम प्रकाश राय जी हों जी जी, या वर्तमान विधायक नेमतुला साहब हों जी, दोनों आदमी से पब्लिक जो है बिल्कुल
और बिल्कुल जो है उग चुकी है, बिल्कुल ये लोग दोबारा जो है सत्ता पर नहीं देखना चाहते। चलिए, जो इन लोगों का जीत है, चाहे वो राम प्रवेश राय जी हो या नेमतुला साहब, तो आपको क्या लगता है कि इनका व्यक्तिगत भी यहाँ पे ज्यादा वोट है या पार्टी का वोट? नहीं, सिर्फ पार्टी का, सिर्फ पार्टी के आधार पे ये लोग जीत जाते हैं। व्यक्तिगत के तौर पे अगर ये लोग पंचायत स्तर का कोई चुनाव जिता दिया जाए तो पंचायत स्तर ये लोग लीड नहीं कर सकते हैं। तो फिर मान लीजिए कि ये तो आज भी ये लोग पार्टी से ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपको कैसे लगता है कि कोई थर्ड पर्सन इसमें स्पेस बना सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि 25 साल से दोनों आदमी बरौली विधानसभा के नौजवान को, बरौली विधानसभा के हर नागरिक, जितने भी हमारे बरौली विधानसभा में जितने भी नागरिक हैं, जितने भी आबादी है, जी सब किसी को दोनों आदमी ठगने का काम किए हैं। जी विकास का काम कुछ नहीं हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम हुआ। जी सिर्फ ठगने का काम पे जात पात के नाम पे वोट लेते हैं, पार्टी के नाम पे वोट लेते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं। जी तो लेकिन अब जो बरौली विधानसभा की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है, बरौली विधानसभा की जनता जो है अब ठगाना नहीं चाहती है। जब भी चुनाव आता है, चाहे 2015 का चुनाव हो या 2020 का, इसमें तो हर बार ये कहा जो भी थर्ड पर्सन होते हैं, जो थर्ड प्रत्याशी होते हैं, वो लोग कहते हैं कि नहीं, बरौली की जनता अभी लोगों के ठगने से उग चुकी है। लेकिन नतीजा वही होता है, ढाक का तीन पात उन्हीं लोगों में से हार जीत होता है। नहीं, ठीक है, अब की बार नहीं होता। जी अभी बार नहीं होगा, बरौली विधानसभा की जितने भी नौजवान सर, मैं आपको थोड़ा सब किसी को जो हम जगाने का काम कर रहे हैं। जी जी, अब की बार नहीं होगी। जी मैं आपको थोड़ा 2015 की अतीत की याद दिलाना चाहता हूँ। उस चुनाव में इन दोनों की जो लड़ाई थी वो 61,000 के आसपास की लड़ाई थी, और जो थर्ड पर्सन थे वो 4,000 की लड़ाई में, यानी जो हमारे साधु यादव जी थे, वो 4,39,000 के आसपास उनको वोट की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी बड़ी गैपिंग है इन दोनों कैंडिडेट में और थर्ड कैंडिडेट में। तो आपको क्या लगता है कि आप उस गैपिंग को भरने में कारगर हो सकते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जो भी कैंडिडेट का नाम रख रहे हैं जी, तो इसमें दिग्गज कैंडिडेट हैं, दिग्गज ऐसा फील्ड में रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, कैसे हमारे बरौली विधानसभा में आप साधु यादव जी का नाम रखते हैं? नहीं, और इसमें राजू सिंह भी थे। नहीं नहीं, कोई भी राजू सिंह भी जो कि बरौली विधानसभा के जनता के बीच में है। जी कोई भी कैंडिडेट हो, यदि भादो के बिल के जैसा अगर आता है कोई भी कैंडिडेट जी, तो पब्लिक जो है उसको लाइक नहीं करेगी। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बरौली विधानसभा की जनता जो है इस गेप को जो है जी अब की बार के चुनाव में एकदम बिल्कुल गेप को जो है जो गेप हुआ है 2015 के चुनाव में जी, उस गेप को जो है एकदम बिल्कुल बरौली विधानसभा की जनता बदलेगी, भरेगी। जब भी चुनाव आता है तो जो नेता होते हैं वो जनता के पास जाते हैं, दरवाजे पर जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, उन लोगों से वादे करते हैं, लेकिन उन वादे निभाने में असफल हो जाते हैं। तो आप जनता, जो बरौली की जनता है, उसे कैसे विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, जो आप वादे कर रहे हैं वो सच्चे वादे कर रहे हैं? देखिए, हमारे को विश्वास करने का रीज़न है जी, रीज़न ये है जी कि माझा प्रखंड माझापुरी पंचायत में जी हमारे नेतृत्व में हमारे भावी 15 साल मुखिया रहे जी, फैक्स अध्यक्ष रहे जी, भाई सब फैक्स अध्यक्ष रहे जी, और जिस पंचायत में हम मुखिया हैं, मुखिया 15 साल, उस पंचायत में हम मात्र नहीं, बहुत कम संख्या की आबादी है हमारी जी, इसके उपरांत भी पब्लिक विकास और व्यवहार के आधार पर बिताती है जी, बरौली विधानसभा माझा प्रखंड में ही जी, तो पब्लिक जो है देख रही है कि ये लोग विकास पंचायत विकास के काम करते हैं। पंचायत का जो चुनाव है वो कुछ उसका दायरा बहुत छोटा है, मैं बता रहा हूँ, जो विधानसभा का चुनाव है मैं बता रहा हूँ तो पब्लिक देखती है जी, ये लोग विकास करने वाले लोग जी, ये लोग विकास करने वाले लोग, यही आपके क्षेत्र की जो पंचायत की जनता है उसी को वहीं देखती है वाली। हाँ, तो बरौली विधानसभा की जनता तो देख रही है ना जी, कि ये लोग विकास करने वाले लोग हैं जी, हमारे पंचायत में मात्र हम लोग 500 या 700 हम लोग मुसलमान की आबादी जी, बाकी जो है हमारे हिंदू भाई की संख्या की आबादी जी जी जी, तो पब्लिक को देख रही है कि ये लोग विकास करने वाले लोग हैं, ये लोग ठगने वाले लोग नहीं है, ये लोग धोखा देने वाले लोग नहीं है, ये झूठे वादे करने वाले लोग नहीं है जी, बरौली विधानसभा की जनता इस चीज़ को देख रही है, समझ रही है। इस आधार पर बरौली विधानसभा की जनता बिल्कुल हमारे पर विश्वास करेगी। चलिए, आपने अभी और हमको तो एक बार जरूर मौका मिलना चाहिए जी, बरौली विधानसभा की जनता जो है जी एक बार जरूर विश्वास करेगी, क्योंकि 25 साल से ये लोग वादे किए, राम प्रवेश राय जी हों चाहे माननीय विधायक जी नेमतुला साहब, 25 साल से ये लोग वादे किए जी, एक बार बरौली विधानसभा की जनता जरूर हमारे ऊपर एतबार और विश्वास करेगी, और बरौली विधानसभा की जनता, मुझे विश्वास है कि बरौली विधानसभा की जनता जो है हमको हमारी वाइफ को जो है वोट देकर जिताएगी और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, इम्तियाज अली जी,
बरौली की जो जनता है, तो आपने बरौली की जनता के लिए ये ऐसा क्या किया है कि वो आपको वोट देगी अभी तक फिलहाल? जी बिल्कुल, क्या आपकी कुर्बानी है जनता के प्रति? बिल्कुल, हमारा हमें जो है प्रत्येक साल जो है जी प्रत्येक साल जो है हम इस स्वास्थ्य जांच का कार्यक्रम कराते हैं जी, फिर मेला फिर में दवा कराते हैं जी। बिल्कुल, सुबह से लेके पब्लिक के बीच में सुबह से लेके शाम तक 4 बजे तक जो है हम खाते हैं, सुबह से लेकर 4 बजे तक के बीच में कुछ नहीं खाते हैं, 4 बजे खाते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं जी। सुबह जब सो के उठते हैं पब्लिक की सेवा में ही रहते हैं जी, खाने का मौका मिलता है हमको 4 बजे 3 बजे जी। बिल्कुल, ये तो त्याग बर्दाश्त ही है पब्लिक के लिए जी जी। चलिए देखिए, जब मैं यहाँ पे आया तो 2 आदमी मुझे यहाँ पे बैठे हुए मिले थे आपके दरवाजे के, वो लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आपका, और आप आए उनका काम देखिए अभी देखिए आपके सामने प्रत्यक्ष है जी जी, आपके सामने ये प्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष है, लेकिन वो लोग बोल रहे थे कि हमें इंतजार बहुत ज्यादा करना पड़ा। माझा प्रखंड आपके सामने प्रत्यक्ष है कि माझा प्रखंड में वैसे ही लोग कुछ लोग आए थे जी जी, कितना टाइम हो रहा था 3 बज रहा था जी, लोग ने काम के लिए लेके आए थे जी, लेकिन उनको इंतजार बहुत करना पड़ा। बिल्कुल इंतजार करना पड़ा, तो हम तो कहीं समय दिए थे जी, तो का अचानक प्रोग्राम हुआ, पहले से जो हमको बिफोर सूचना देके नहीं आए थे जी। चलिए, अब जो हमारा वीडियो है वो भी लंबा हो रहा है और हमारा जो इंटरव्यू है वो अंतिम पड़ाव में जा रहा है। अब लास्ट सवाल आजम तारा जी हम आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद से हम इनसे भी पूछेंगे कि अगर आप इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं होती तो आप अपना वोट जो है वो किसको दी? आप मेरे सवाल को समझ रही है? मेरा सवाल ये है कि अगर आप मान लीजिए कि चुनाव कल्पना के तौर पे, कि अगर चुनाव मान लीजिए कि 2020 का नहीं लड़ती है, तो जो भी प्रत्याशी है चाहे वो राजद के हो या भाजपा के हो या जो भी हो, उनमें से आप किसको वोट देती है? देखिए ये तो वक्त पे डिपेंड करता है जी, नहीं तो वक्त पे डिपेंड करता है, वक्त पे नहीं, जब वक्त पे डिपेंड करता है कि हम किसको, आपको ऑलरेडी जो है हमारी वाइस प्रत्याशी है जी, तो अभी तो सवाल जो है नहीं हो तो बेहतर है, केवल कल्पना कीजिए। अगर कल्पना हम कैसे कर सकते हैं, हम तो वक्त बताएगा, आप तो खुद कैंडिडेट हैं। हाँ कैंडिडेट है, लेकिन मैं ये कुछ आपके चैनल के माध्यम से कैसे बताएंगे, चैनल के माध्यम से कैसे बताएंगे? ऐसे मैं पूछ रहा था कि आप किसको वोट देंगी? अब जो उस पद के उस समय पद के जो लायक होगा जी उसको दिया जाता है जी। तो अभी 4-5 चेहरे नजर आ रहे हैं, उनमें से आप किसी को सेलेक्ट करते हैं? नहीं, कैसे हम कर सकते हैं चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट हूँ जी। आप सवाल में भी उलझा रहे हैं? नहीं, सवाल में आपको उलझा नहीं रहे हैं, हम आपसे वाजिब सवाल पूछ रहे हैं। हम खुद कैंडिडेट हैं, तो कैसे हम कर सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे जी, तो मेरे लिए तो जो है बुरा प्रभाव पड़ सकता है ना जी जी, करना नहीं पड़ता। चलिए, अब लास्ट सवाल मेरा कि क्या ये आप जो चुनाव लड़ रहे हैं ये किसी से पर्सनली दुश्मनी की वजह से लड़ रहे हैं कि आप जीतने की वजह से लड़ रहे हैं पूरी तरीके से एक कैंडिडेट? नहीं, विधानसभा में हम 3 साल से जी, कुछ लोग भादो के बैंक के जैसा 4 महीने 5 महीने से जी जी, हम तो 3 साल से है ना जी, हम जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे और मरौली विधानसभा की जनता हम जीतेंगे। किसी कैंडिडेट से आपका कोई प्रश्न ऐसा मतभेद हो जाने की वजह से भी चलो भाई हम आपको बताते हैं आते हैं अगली बार चुनाव? नहीं, इस तरह से भी ऐसा कहीं कोई दूर दूर नहीं जी, ऐसा कुछ दूर दूर नहीं है जी, और हम जो है मरौली विधानसभा की जनता से जी जो हमारा दिली लगाव है हम बहुत प्यार करते हैं जी, बहुत मान सम्मान करते हैं जी, और उन लोगों का जो है बरौली विधानसभा की जनता का जो है 25 साल से शोषण करने का काम किया जा रहा था जी, इस देश के जो है बहुत तकलीफ होता था जी, है ना, बरौली विधानसभा की जनता को कभी जात पात के नाम पे, कभी हिंदू मियाँ के नाम पे, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे ठगने का दोनों आदमी काम कर रहे हैं 25 साल से, ये सब देख के बहुत तकलीफ होती थी, ये घुटन से महसूस होती जी जी। ये बरौली विधानसभा की जनता को जो हमारे नौजवान साथी हैं सब जगाने का हम काम करेंगे, देखिए 25 साल में आपको ठगने का काम किया गया, आपको मिला कुछ नहीं है, हिंदू मियाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे सिर्फ यूज किया गया है और मिला कुछ नहीं है जी। अब तो भाई जागो आप मेरे, तो हम जगाने का काम किए हैं और जगाने का काम कर रहे हैं, और उस आधार पर बरौली विधानसभा की जनता जो है बिल्कुल 110% जो है हमारे नेतृत्व में हमारी वाइफ को जो है जिता के विधानसभा भेजने का काम करेगी जी। और बरौली विधानसभा की जनता यदि हम लोग जिताती है जी जी, तो जितने भी अभी देख लीजिए नहीं है, एक सवाल जो हमसे मिस हो रहा था, आप वैसे क्या करते हैं जी? हम तो शिक्षक हेडमास्टर जी जी, यही कहीं आस पास जी जी हेडमास्टर है जी, स्कूल में जी।
चलिए आज हम तारा जी और इम्तियाज अली जी, हमारी जो शुभकामनाएं हैं वो आप दोनों के साथ है और हम चाहेंगे कि आप राजनीति में बहुत दूर दूर तक जाएं। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान आजम तारा जी, जो बरौली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और ये है उसके हस्बैंड इम्तियाज अली जी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।